एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज एडजेक्टिव के हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो आपको व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस आपको हमेशा ये कुछ रूल्स है जो ध्यान में रखने हैं। इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव हम कर चुके हैं, आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कर चुका है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिलाऊंगी कि दून ऑफिसर्स एकेडमी जो अपनी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर चुका है, हर मंडे एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए आप उनको कैसे क्रैक कर सकते हो इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज या फिर RAMC आर्मी से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ ऑफलाइन बैचेस के लिए आप एनरोल करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर दिए गए हैं, एज वेल एज अगर आपको फर्दर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एल्स फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। अब आज जो हम करने वाले दैट इज रूल्स, मोस्टली ये जो रूल्स हैं वो रूल्स रिलेटेड टू डिग्री, ठीक है। रूल्स ऑफ डिग्री क्या होती है ना, अब इसीलिए बहुत बार मैं आपको हर बार सेशन शुरू होने से बोलती हूँ कि पिछली वीडियोस देख के आइए। क्यों? क्योंकि जो आज हम रूल्स पढ़ेंगे वो जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले वो तो ऑलरेडी हम सेशन में कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, तो अनलेस इसके पहले वाली जो वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ एडजेक्टिव मोर ओवर डिग्री के बारे में, ठीक है। तीन डिग्री पढ़ी है ना मैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, है ना। अब क्या बोलता है आपका पहला रूल? पहला रूल आपका ये बोल रहा है कभी भी आप डबल कंपैरेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं करोगे। द रूल सेज दैट वी कैन नॉट यूज डबल कौन से कंपैरेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज कर रहे हो तो दो बार आप कंपैरेटिव डिग्री या दो बार आप सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करोगे। एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट वुमेन, क्या बोल रहा है रूल? डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करोगे। प्रिटीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म है प्रिटी का, प्रिटी, प्रिटीयर, प्रिटीएस्ट। मोस्ट भी तो आप सुपरलेटिव के साथ यूज करते हो ना, तो क्या बोल रहा है रूल? डबल सुपरलेटिव नहीं करोगे, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। या तो आप क्या बोलोगे, शी इज द प्रिटीएस्ट वुमेन, राइट, डबल कंपैरेटिव। ही इज मोर वाइसर देन एनी अदर क्लासमेट्स, वाइसर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी पढ़ी जिसके आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, उसकी जगह आप मोर यूज करते हो। ब्यूटिफुल है तो यू विल से मोर ब्यूटिफुल या फिर मोस्ट ब्यूटिफुल, है ना। तो दो कंपैरेटिव भी आप एक साथ यूज नहीं करोगे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हुआ, गलत हो गया ना। तो पहला रूल के अकॉर्डिंग डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं यूज करोगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या बोल रहे हैं, दूसरा रूल ये है जब आप एक ही इंसान के बारे में या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन और अ थिंग, किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो, उन्हीं उसी की कोई क्वालिटी को आप कंपेयर कर रहे हो, उसी क्वालिटी को, उसी सेम पर्सन की या सेम चीज की क्वालिटी आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप कंपैरेटिव डिग्री का जो ER लगता है ना, मतलब जो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री जो यूज कर रहे हो आप, कंपैरेटिव डिग्री में ऐसे वर्ड जो आप ER के लिए यूज करते हो ना वो आप यूज नहीं करोगे। आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज मोर इन केस when you are comparing two qualities of the same person or thing, ठीक है। This is when you are comparing two qualities, किसकी? या तो वो एक ही person की आप कर रहे हो या फिर same चीज की, ठीक है। एक ही चीज की दो क्वालिटी आप कंपेयर कर रहे हो या एक ही इंसान की आप दो क्वालिटी कंपेयर कर रहे हो, तब आप ER फॉर्म नहीं यूज करते हो। देयर यू विल नॉट यूज द ER फॉर्म ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री, पर वहां पे आप मोर का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि
ही इज मोर वाइस देन स्ट्रॉन्ग. रूल क्या बोल रहा है? सेम पर्सन सेम थिंग. एक ही इंसान की मैं दो क्वालिटी को कंपेयर कर रही हूं तो मैं ER नहीं यूज करूंगी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ ही इज मोर वाइसर, मैं क्या बोल रही हूँ ही इज मोर वाइस, तब मैं मोर का इस्तेमाल करती हूँ. क्लियर है इतना? सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग वेन यू आर कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और अ थिंग देयर यू विल नॉट यूज द ER फॉर्म. ठीक है, जो आपके एडजेक्टिव का ER करके आप जो कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो वो ना लगा के यू विल रेदर यूज मोर, मोर वाइस देन स्ट्रॉन्ग. ये सिर्फ अगर सेम ही इंसान के बारे में या सेम चीज के बारे में आप दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो तभी आप करोगे. अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों के बीच में तब तो आप ER यूज करोगे, लेकिन ये सिर्फ क्या है सेम पर्सन या सेम थिंग के केस में. ये क्लियर है इतना? नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है कि आप जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो कंपैरेटिव केसेस में, जब भी आप देन के साथ ना अदर भी लगाते हो. क्यों? आपको एक चीज को दूसरी चीजों से क्या डिफरेंशिएट करना है, तो आप अदर और देन एक साथ यूज करते हो. जैसे कि तीसरे केस में कंपैरेटिव केसेस में आप अदर का यूज करते हो. किसके साथ? देन के साथ. ठीक है, अभी एक एग्जांपल लिया था हमने, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर ऑफ हिज क्लासमेट्स. ठीक है, अपने क्लासमेट्स जो उसके अलावा जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. एक और चीज़ याद रखना कंपैरेटिव डिग्री में या कंपैरेटिव केसेस में, जो चीज़ आप कंपेयर कर रहे हो ना उनका लेवल एक होना चाहिए. मतलब आप सेम चीज़ों को कंपेयर करोगे. जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि आप दिल्ली को इंडिया से कंपेयर करोगे. एक दिल्ली क्या है, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी स्टेट, तो आप उसको दूसरे स्टेट से कंपेयर कर सकते हो लेकिन कंट्री से नहीं कर सकते. तो लेवल ऑफ कंपैरिजन जो होगा आपका हमेशा एक होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक पत्थर को किसी माउंटेन से कंपेयर कर रहे हो. दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू. क्यों? लेवल ऑफ कंपैरिजन एक होना चाहिए. कहते हैं ना कि तुलना जो होती है वो किस में, सेम चीज़ों में करोगे आप. तो कंपैरेटिव डिग्री जब भी आप यूज़ कर रहे हो सेम लेवल होना चाहिए, जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उनका लेवल सेम होना चाहिए. एक जैसी जो चीज़ें, एक पैरामीटर जो आप डिसाइड कर रहे हो, जैसे स्टेट का स्टेट से होगा, तो यहाँ पे क्या है पैरामीटर हमने कौन सा लिया, स्टेट लिया ना, दो स्टेट को कंपेयर कर सकते हो आप. लेकिन जैसे दिल्ली और इंडिया का एग्जाम्पल था, अब दिल्ली सिटी को इंडिया कंट्री से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, पैरामीटर सेम नहीं है ना उसके. तो कंपैरेटिव डिग्री में ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा. ये रूल क्या बोलता है कि अगर आपके क्या कर रहे हो किसी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो बहुत क्लियरली डिमार्केट करोगे उसको, मतलब बहुत क्लियरली उनको अलग दिखाओगे आप. एनी अदर क्लासमेट्स बोला है हमने. ठीक है, कई बार आपको दिया जाता है ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज क्लासमेट्स, नहीं, उसको आप पूरी तरीके से बिल्कुल अलग दो चीज़ें हैं ये दिखाओगे, है ना. तो कंपैरेटिव केसेस में आप अदर का इस्तेमाल करते हो देन के साथ. अब एक और चीज़ है एडजेक्टिव में, कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता, कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता, वो हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं. देर आर सर्टेन वर्ड्स ऑफ एडजेक्टिव जिनका सिर्फ पॉजिटिव डिग्री होती है. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी इनकी, इनकी ना ही सुपरलेटिव डिग्री होगी. जैसे कि आपका हो गया अल्टीमेट, स्क्वायर, परफेक्ट, कंप्लीट या फिर एम्प्टी. ठीक है, इसको आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब या इनका ना ही कोई कंपैरेटिव डिग्री होगी ना ही इनकी सुपरलेटिव डिग्री होगी, ये हमेशा क्या होंगे पॉजिटिव फॉर्म में होंगे. कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका कोई कंपैरिजन या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ एक ही डिग्री में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, परफेक्ट को आप ये नहीं बोलोगे परफेक्टर और नहीं, उसकी सिर्फ पॉजिटिव डिग्री है और वो क्या है परफेक्ट. ठीक है, ना ये कंपैरेटिव में यूज़ किया जाएगा ना ये सुपरलेटिव में यूज़ किया जाएगा. तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई बार आ जाते हैं. राइट, फिर आपका
एडजेक्टिव में एक और चीज़ है, देखो मोस्टली जब आप कंपेयर कर रहे हो ना, आप देन का इस्तेमाल करोगे। जब आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तो आप देन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन कुछ ऐसे आपके हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं विच डू नॉट एडमिट टू देन, पर उनके साथ आप टू का यूज़ करोगे। जो आप प्रेपोजिशन यूज़ करोगे वो आप देन नहीं टू का इस्तेमाल करते हो। अब ये कौन कौन से होते हैं? Certain adjectives admit to with them rather than then. ठीक है, then का use नहीं किया जाता, उनके साथ to preposition का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से हैं ये? Superior, inferior, ठीक है, प्रायर, ऑल राइट, जूनियर, सीनियर, सीनियर एल्डर, प्रेफरेबल। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप देन में यूज करोगे टू। ही इज एल्डर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, तो आप इनके साथ ना टू यूज करोगे, टी एच एन देन नहीं यूज करते हो। तो कई बार ये ना आपके एरर वाले या फिर करेक्ट द स्टेटमेंट उसमें भी आ जाता है। तो आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा ही इज एल्डर देन मी, तो अगर आपको पता है कि कुछ वर्ड जो है वो हमेशा टू लेंगे अपने साथ, दे विल टेक द वर्ड टू इंस्टेड ऑफ देन, तो आपको क्या है, आप उस स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें टू लगता है। द वी यूज द प्रपोजिशन टू इवन दो वी आर कंपेयरिंग इट, ठीक है, हम दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन देन की जगह हम क्या यूज करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे इनके साथ, ठीक है। फिर आपके एक और चीज, जब आप वर्थ के बारे में बात कर रहे हो ना, वर्थ, वर्थ के साथ जो आपका एडजेक्टिव है वर्थ, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वर्थ जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर आप वर्थ का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको आप जिरान भी बोलते हो। जैसे कि एग्जांपल, द ताजमहल इज वर्थ, वर्थ क्या, विजिटिंग। कहते हैं ना जिंदगी में एक बार आपको ताजमहल देखना चाहिए, तो भाई ताजमहल जो है वो क्या है, वर्थ विजिटिंग, राइट, द ताजमहल इज वर्थ विजिटिंग। तो आपको क्या बोलने जा रहा है कि जब भी आप वर्थ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करोगे उसके साथ आप वर्ब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको आप क्या बोलते हो, जिरांड बोलते हो, तो हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा जब आप वर्थ बोल रहे हो, ठीक है। द ताजमहल इज वर्थ विजिट नहीं बोलता, वर्थ विजिटिंग बोलोगे आप, क्यों, क्योंकि ये आपका रूल ऑफ डिग्री है कि वर्थ जो एडजेक्टिव है वो अपने साथ जिरांड फॉर्म एडमिट करता है। इतना क्लियर है? एक और चीज, जब एडजेक्टिव, अगर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एडजेक्टिव क्या बोल रहा है, आपका ग्रेजुअल इंक्रीज है, ठीक है, जिसमें आपके क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है उसमें, या फिर देयर इज अ एडवांसमेंट ऑफ समथिंग, तब जो आप यूज करोगे, तब आप क्या यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोल रहे हैं ये वाला रूल, कि अगर क्या है उसमें एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज है, या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज है, तो उस स्टेटमेंट में आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज द कंपैरेटिव डिग्री। तब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया, इंडिया, इंडियाज टेक्नोलॉजी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर डे बाय डे। इंडियाज टेक्नोलॉजी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, क्या बोल रहा है ये रूल,
अगर ग्रेजुअल क्या है, एडवांसमेंट है किसी चीज के, कि धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, कोई चीज एडवांस हो रही है, कोई प्रोग्रेस कर रही है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे। तो इंडियाज टेक्नोलॉजी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। पॉजिटिव डिग्री नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, गुड एंड गुड नहीं बोलती हूँ या बेस्ट एंड बेस्ट नहीं, बेटर एंड बेटर। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, अभी जो हमने अदर वाला रूल पढ़ा ना, सुपरलेटिव फॉर्म में कभी आप अदर का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब हम अदर बोल रहे हैं तो वो अदर क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, अलग कैटेगरी को। सुपरलेटिव में आप ये नहीं करोगे, सुपरलेटिव में कभी आप अदर का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ग्रेजुअल इंक्रीज जब आपको बताना है तो जो आप एडजेक्टिव यूज करोगे वो कौन सा होगा? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। इतना क्लियर है? एक और चीज, जब आप एक ही चीज के बारे में कुछ बता रहे हो, दो अलग अलग चीजें बता रहे हो, तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। मतलब अगर एक स्टेटमेंट जो है वो दो चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो दोनों जिस डिग्री का आपने इस्तेमाल किया है दोनों के लिए आप सेम डिग्री का इस्तेमाल करोगे, राइट? अगर कोई क्वालिटी के बारे में आप बता रहे हो तो डिग्री आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं है एक आप कंपैरेटिव यूज कर रहे हो, एक आप सुपरलेटिव कर रहे हो, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, एग्जांपल, दिस इज मोस्ट ब्यूटिफुल टाउन एंड बेस्ट दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाउन इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्ट एंड बेस्ट टाउन टू हैव ठीक है, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाउन, मोस्ट ब्यूटिफुल सुपरलेटिव फॉर्म इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्ट एंड बेस्ट टाउन। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म है। तो जब एक ही जगह के बारे में आप, अगर जो आप सेंटेंस में जो डिग्री यूज कर रहे हो ना वो सेम रहेगी। ऐसे नहीं है मैं यहाँ पे बोलूंगी दिस इज मोर ब्यूटिफुल टाउन, नहीं, मोस्ट ब्यूटिफुल सुपरलेटिव फॉर्म यूज किया तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी होगा वो सुपरलेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रूल्स थे एडजेक्टिव से रिलेटेड। आई होप आपको चीजें जरूर समझ आई होंगी इसमें। इन केस ऑफ एनी डाउट आपको कमेंट सेक्शन में, आप कभी भी, आपको कोई भी डाउट आता है, आपको वीडियो में कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रेज कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ डिग्री। एडजेक्टिव के कुछ कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडजेक्टिव। बट बिफोर लीविंग मैं आपको एक बार वापस याद दिला रही हूँ, अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दून ऑफिसर्स अकेडमी जो है अपनी ऑफलाइन बैच हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा है। एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। कुछ भी आपको पूछना है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। So thank you everyone and have a good day to you all.